नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। याद किए गए पूर्व सांसद समाजवादी नेता यमुना प्रसाद शास्त्री, जिनकी आज पुण्यतिथि थी। प्रखर समाजवादी नेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यमुना प्रसाद शास्त्री की आज रीवा में मनाई गई पुण्यतिथि। इस मौके पर मौजूद लोगों ने स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री को अपने ही अंदाज में याद किया। हम आपको बता दें, इस इलाके को कभी समाजवादियों का गढ़ कहा जाता था। शास्त्री जी उसी समय के बड़े नेता थे जिन्होंने स्वर्गीय महाराजा मार्तंड सिंह को लोकसभा चुनाव में पराजित करने में सफलता पाई थी। यमुना प्रसाद शास्त्री ने बाण सागर का सपना देखा, रेलवे लाइन का सपना देखा, आज वह सपने पूरे हो गए हैं। बिन छेद पूर्णतः सिंचित होने की ओर एक कदम आगे। निश्चित रूप से इलाके का किसान ज्यादा मजबूत हुआ है। आज उसके पास बेहतर खेती के मौके हैं। रेलवे लाइन आने से देश के अन्य नगरों में भी रिवाज बढ़ गया है आने जाने का। यह सब सपना था यमुना प्रसाद शास्त्री का। स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री को श्रद्धांजलि देने शहर के तमाम लोग पहुंचे। पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल, नगर निगम परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे सहित तमाम लोगों ने पहुंचकर सबसे पहले यमुना प्रसाद शास्त्री के समाधि स्थल पर फूलमाला अर्पित करने के बाद एक विचार गोष्ठी में भाग लिया, अपनी अपनी बातें रखी। यमुना प्रसाद शास्त्री के पुत्र देवेंद्र शास्त्री द्वारा सभी अतिथियों का मल्यार्पण से स्वागत किया गया। ऐसे राजनेता थे कि जो सिर्फ सांसद ही नहीं थे, पूरे दुनिया और पूरे समाज के लिए जिन्होंने अपना योगदान दिया। क्या सपना था शास्त्री जी का? शास्त्री जी का सपना ये था कि समाज के अंदर हर आदमी, हर समाज के में रहने वाला हर शोषित पीड़ित जो मानव है, उसका कल्याण हो सके। हर कोई जो है सुखी तरीके से, सक्षम तरीके से इस समाज के अंदर जी सके, मुख्य सपना उनका ये था। ये तो बाण सागर, रेलवे लाइन, ये तो विकास की एक एक कड़ी, एक एक अध्याय है। पर शास्त्री जी जो है पूरी मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया था। वो कोई ये जो सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि बाण सागर, रेलवे लाइन, ये शास्त्री जी की एक दूरगामी योजना थी, एक दूरगामी समझता। क्या शास्त्री जी का सपना पूरा हो रहा है आज के दौर में? तो शास्त्री जी के सपनों पर जिस तरीके की राजनीति आ रही है, वो उस राजनीति ने तो ग्रहण लगाने का काम किया है। इस पूरी राजनीति में जो है अर्थवाद और जो पूंजीवादी तंत्र है वो पूरी तरह से हावी हो रहा है। जो समाज के कल्याण के लिए काम करने वाले लोग हैं, उनकी दिशा पे, उनकी मांगों पर जो है अनदेखी हो रही है। कैसे पूरा किया जाएगा शास्त्री जी के सपने को पूरा करने के लिए? रीवा को हरित क्रांति लाना होगा, औद्योगिक क्रांति लाना होगा, पर्यटन की क्रांति लाना होगा, जिससे रीवा की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां बेहतर हो सके। राजनीतिक स्थिति तो शास्त्री जी ने अपने व्यक्तित्व के कारण, अपने कद के कारण हमेशा से ऊपर रखा, लेकिन जिन कामों को उन्होंने शुरू किया था सामाजिक और आर्थिक क्रांति लाने के लिए, वो काम पूरे नहीं थे, अधूरे थे, जिसको एक एक करके पूरा करके हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता है, चुनाव में जीत और हार दोनों से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है। यदि वो रचनात्मक है, यदि वो ईमानदार है, जो राजनीति को सेवा का माध्यम मान के काम करता है, उसके लिए जीत भी लाभदायक है और हार भी से भी उसको कहीं ना कहीं मजबूती मिलती है। लेकिन यदि राजनीति को व्यवसाय का माध्यम बना लिया जाएगा तो न जीत जनता के हित की है और न हारने से तो जनता का लाभ ही है ऐसे लोगों के, लेकिन उनके जीतने से जनता को लाभ नहीं होता। ठीक।